नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, न्यू ईयर की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्किपिंग कैसे करते हैं। सो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, स्टेप 1 2 3 करके मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। आपको बस वो फॉलो करनी है महीने हफ्ते, और जैसे जैसे आप उसमें स्किल आपकी अच्छी होती जाएगी, आप फिर इजीली स्किपिंग को कर पाएंगे। सो मेक श्योर गाइज, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और मेरे स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो दोस्तों, नंबर वन स्टेप सीखने के लिए हम यहाँ पे फॉलो करेंगे इमेजिनरी स्किपिंग। सो इमेजिनरी स्किपिंग क्या होता है, आपको बस इमेजिन करना है कि आपके हाथ में स्किपिंग रोप है और उससे आपको सिंपली स्किपिंग करनी है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको CNS में अडाप्टेशन होगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अडाप्ट होगा कि ऐसी कोई हम मूवमेंट करने जा रहे हैं, और सेकंड आपके लेग्स और काफ मसल जो है इस मूवमेंट से स्ट्रांग होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है आपको। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टेप नंबर वन। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर टू की तरफ। सो उसके लिए हमें चाहिए स्किपिंग रोप। इससे हम क्या करेंगे कि आपको सिंगल सिंगल स्किप करना है, यानी कि आपने स्किप किया देन पॉज, स्किप किया देन पॉज। आपको एक रिदम सेट करना है अपना। फिर से अगेन मैं वही चीज कहूंगा, CNS में अडाप्टेशन, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब तक कोई आपकी चीज घुसेगी नहीं, जब तक माइंड में प्रॉपरली चीज आएगी नहीं आपके कि आपको मूवमेंट कैसे करनी है, तब तक वो मूवमेंट नहीं होगी। सो बहुत सिंपल फंडा है, आपको स्किप करना है देन रिलैक्स, स्किप करना है देन रिलैक्स। चलिए मैं आपको शो करता हूं। दोस्तों, अभी जो हमने मूवमेंट करी, आप इसको कम से कम करिए 50 से 60 बार, जिससे कि आपके रिदम बैठ जाए। तो जब आपके रिदम बैठेगा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपकी जो हमने पिछली बार किया था वो किया था एक स्टेप, अब हम करेंगे 2 स्टेप की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये किया था हमने 2 मूवमेंट के साथ, यानी कि हमने 2 स्किप की थी। अब आपको इसको भी कम से कम 50 से 60 बार करना है। जब आपका रिदम सेट हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आप 3 से 4, 4 से 5, 6, 10, 20 आप करने लगेंगे धीरे धीरे। अगर आपको कहीं भी ये फील होता है कि आप कर रहे हैं, थक रहे हैं और बार बार स्किप नहीं हो रहा, तो आप पॉज लें, थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा पानी पिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, उसके बाद आप अगेन स्किपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जो स्किपिंग मूवमेंट है, कोई बहुत डिफिकल्ट मूवमेंट नहीं है, बट एक रिदम सेट होने की बात है, आपके CNS में अडाप्ट होने की बात है। तो जिस तरीके से मैंने बताया आपको, आप स्टार्ट करें इमेजिनरी स्किपिंग से, उसके आप कम से कम 40 से 50 आप रेपिटेशन लगा सकते हैं, उसके बाद सिंगल सिंगल स्टेप्स करें, उसके बाद डबल डबल करें, और जितना आपके रिदम बन रहा है उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी आपका रिदम बन रहा है, आप उसको कंटिन्यू करते रहें। सो गाइस, वीडियो को बंद करने से पहले आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका मैक्सिमम कितना है एक सेट में रोप स्किपिंग। पर्सनली मेरा जो एक सेट में है वो मैं 400 कर चुका हूँ। सो गाइज, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपका बेस्ट कितना है।